हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग होने वाला है बहुत डिफरेंट, स्टार्टिंग भी डिफरेंट है, आप देख भी पा रहे हो। आज हम जा रहे हैं सारे दोस्त JLN। मैं अपने माधुरचोद दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, भोजले वाले आए नहीं हैं। आज मैं जावा लेके आया हूँ, ये खड़ी अपनी जावा। मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा, कोशिश करूँगा, अपने एक दोस्त को बोलूँगा पीछे बैठ और फ़ोन से कर, क्योंकि मुझे कमेंट में एक बंदे ने बोला था कि अपनी दूसरी बाइकें भी दिखाओ, तो उस भाई से बहुत प्यार है, उसको मैं दिखाऊँगा। तुम लोग जो बोलोगे मुझे कमेंट में, वैसे तो मैं करके दिखाऊंगा, तो यार कमेंट करा करो, बताया करो। तो अब आते हैं वो लोग, मैं आप सबसे मिलवाता हूँ और हम जाते हैं JLN सीधा। देखो अपना एक माधर चौथ दोस्त आ गया है, देखो कन्नू है भाई, ये डलेगी, ये डलेगी। एक हमारे फ्रेंड यहाँ पे खड़े हुए हैं, तरन पाजी, फुल पाजी शाही है यार थोड़े हमारे, ये कहाँ है, ये दिख क्यों नहीं रहा? अरे दिख गया, एक हमारा ये दोस्त है भाई, इसका कल जन्मदिन था तो हम मिल नहीं पाए थे, तो आज मिले हैं। तो भाई तुम्हें बोला था मोटो व्लॉग दिखाएगा, देख लो कैसे दिखा रहे हैं फोन से। आगे बैठ के लोड़े जा रहे हैं माधुरचोद, देख लो भाई जावा का, जावा की एक वीडियो और ले आऊंगा वैसे चार में दोनों को। भाई देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, सामने नूर जैन गा रहा है, फर्क नहीं पड़ता भाई, पंत ने 50 मार दिए, भाई पंत ने 50 मारे, तुम्हारा भी बहुत खुश है, बहुत खुश बहन की चूत दुनिया की। पंत भाई पंत, चेक करो भाई, चेक करो, फुल हैप्पीनेस है भाई, सारे निम्बा निम्बी फुल है नूर जैन, ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भाई, निम्बा निम्बी है मेरे पीछे, देखो देख रहे हो, देख रहे हो, फुल निम्बा निम्बी भाई। एक जेन्युइन कौशल है तुम लोगों से, जेन्युइन मजाक से हटके। देखो फ्रेंड में तो ना अनूप जैन का एक गाना मुझे ही पसंद है, वो बारिश है, याद नहीं कौन सा है। तुम्हें क्या पसंद है इसमें इतना, इतनी भीड़ भाई, वो फ्रेंड में तो ना पहली बोल रहा हूँ, इतनी भीड़, मैं तो यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ, कंटेंट के लिए आया हूँ मैं तो। भाई मैं सबसे उम्मीद क्या ही रखूँ, मेरा ही दोस्त देख लो क्या कर रहा है ये देख लो भाई, मेरा दोस्त क्या कर रहा है यार, मैं किसी से और क्या उम्मीद रखूंगा भाई। यार अगर तुम्हें पसंद है सुन लो भाई, मैं चुप हो जाता हूँ, मुझे थैंक यू मत बोलना, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ दिल का। चलो मैं जा रहा हूँ भाई, कन्नू चल ले, शराब पी लिया कन्नू, कन्नू ने स्नैप बनानी है, कन्नू चल ले भाई, यार मानता ही नहीं, कन्नू चल ले, देख फोन भी आ रहे भाई, बेशरम देख रहे हो, देख 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 कितना बेशरम हो रहा है, देख फोन लिया, फोन आ रहे हो लेकिन जा नहीं रहा, कन्नू चल ले मैंने अपना हेलमेट लेना था क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ है, मैं मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ। अब हम जा रहे हैं मूर्थल, मूर्थल निकलना है और मूर्थल के बाद मुझे बालाजी निकलना है, तो हमें मूर्थल फटाफट करना पड़ेगा, तो हम सीधा मिलते हैं बाइक पे, बाय बाय। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अनूप जैन के कॉन्सर्ट में से, या बोलूँ ग्रब में से, नॉट कॉन्सर्ट, अनूप जैन का। अब हम जा रहे हैं मूर्थल, ये रहा करनाल, सीधा मूर्थल है, यहाँ से सीधा हमारी बाइक लगेगी मूर्थल। मुझे घर इसलिए जाना पड़ गया था, पहले तो मुझे अपना हेलमेट लेना था ऑब्वियसली, प्लस मुझे अपनी बाइक भी चेंज करनी थी। मैं जावा पे गया था, हमने लिया उसका शॉट, देखा ही होगा तुमने। तो अब हम जा रहे हैं मूर्थल, बाकी मैंने हॉर्न ओके का गिव अवे डाला हुआ है, हॉर्न ओके के जिसको भी पासेस चाहिए, मेरी शॉर्ट्स में एक वीडियो है या इंस्टाग्राम पे रील है, आप कहीं पे भी देखो, उधर जाके पार्टिसिपेट करना उसके अंदर, और पासेस दी तो यार जाओ अपना हॉर्न ओके, बढ़िया फेस्ट होता है, खाओ पियो, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, मस्ती करो जाके। आज बहुत ही टाइम बाद मैंने जब जावा चलाई ना,
एक तो जावा इतनी हल्की लग रही थी मुझे, क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसा लग रहा था कि इसको तो मैं उड़ा ही दूंगा हवा में। जावा मैंने फुल चलाई, 100, 120, 120, 120, 120, मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद चलाई ऑब्वियसली तेज़ बाइक, फुल फन हो गया, मस्ती हो गई। तुम लोगों को पता है वाली जगह कौन सी है, आराम से देख लो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जगह कौन सी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर ही, इधर ही एनिमल मूवी में अनिल कपूर को मारा था, अनिल कपूर की जो डेथ हुई थी यहाँ पे, उसकी डुप्लीकेट की, सॉरी, इधर 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 बीच में, रणबीर कपूर के पापा अनिल कपूर, इधर ही हुई थी। तो भाई ये है हमारा हाईएस्ट बीटी, आगे मरकट वाले बाबा का है मंदिर, हनुमान जी का। वैसे मैं कल बालाजी भी जा रहा हूँ, अभी हम यहाँ से मूर्थल जा रहे हैं, फिर मूर्थल से वापस घर, और सुबह सुबह मैंने निकल जाना है बालाजी। ये है मंदिर मेरा, ये देखो मेरा मंदिर, जय मरकट वाले बाबा के। तो यार मैंने तुम लोगों से एक बात करनी थी, कभी भी ऐसे हाईवे पर जा रहे हो ना, हमेशा ध्यान रखना, कभी कुत्ते आते हैं, कभी बिल्लियाँ आती है, तो थोड़ा ध्यान से चलाना बाइक, बहुत दिक्कत होती है यार, उनके लगनी नहीं चाहिए। देखो वो तो जानवर है, उनको कुछ पता नहीं है, बंदे शराब पी के ऐसे ही मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। ये लो भाई, ये देखो, तुमसे मैं शराब के एक्सीडेंट की बात ही कर रहा था, ये लो एक्सीडेंट ही देख लो, ख़त्म है भाई, देख रहे हो सारी पूरी ख़त्म है आगे से। तो भाई यही बात है यार, तुम लोग थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, जिस दिन शराब पी ली उस दिन अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को, स्कूटी को हाथ नहीं लगाना भाई। देखो मेरा एक असूल है, मैं वैसे ड्रिंक करता नहीं हूँ, कभी कभार जब करता हूँ तो कैब से घर आना है। अगर बाइक से मैं गया भी हूँ उधर, तो उधर ही अपनी बाइक छोड़ दो और कैब से घर आओ। तो शराब वराब नहीं पीनी चाहिए भाई, मत पिया करो, बुरी चीज़ है, कुछ भी मत करा करो। और हाँ, तो मैं इस बात पे था, देखो जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ, अपने हाथ के जेस्चर जैसे मतलब यूज़ करता हूँ, मुझे आदत है भाई, मैं बहुत टाइम से बाइक चला रहा हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सोलो राइड्स करी है, दिल्ली से बहुत बारी दूर दूर गया हूँ, तो ये सब देख के तुम मेरी कभी नकल मत करना। बाकी तुम्हें एक मैं दिखाता हूँ, देखो हमने लाइट लगवाई थी, उसका कमाल दिखाता हूँ, अभी ऑन है, अब देखो ये मैंने ऑफ कर दी, अब आ रहा समझ, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, अब ऑन कर दी, देखो कितना फ़र्क है। तो ये लाइट ज़रूरी है भाई, लाइट लगवाना ज़रूर अपनी बाइक में। ये हमारी पहली राइड है जो हम इतनी दूर की कर रहे हैं, शायद से मूर्थल मेरे घर से पड़ता है 60 या 70 कुछ किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर कर देंगे आज हम, 325 हमारी बाइक चली हुई है, फिर इसकी सर्विस करवाएंगे और फिर हम निकलेंगे नैनीताल। यार देख रहे हो ट्रैफिक, देख रहे हो ये पूरी रोड बंद है, पीछे पूरा बंद है, पता नहीं क्या ही है, इतना इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये रोड इतनी बढ़िया होती थी, जल्दी ज़्यादा टापा टाप टापा टाप बाइक चलती थी बिना किसी दिक्कत के, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। एक चीज़ अच्छी हो गई, देखो आराम से अपना डॉगी खेल रहा है, बढ़िया हो गया। आई गेस ये फार्मर्स की वजह से है, आई गेस, मुझे पक्का नहीं पता, बट बहुत रश है यार भाई, पीछे से रश से निकले है, बहुत रश हो रहा था। मेरा हाथ तो तुम्हें देख नहीं रहा होगा यार, अभी ये जगह ना पूरी लाल हो गई है और मेरे दर्द हो रही है। अभी आगे लाइट आके दिखाता हूँ उनको। बात क्या है ना, इसका क्लच ना बड़ा दूर है, तो जब रश में चलाओ ना इसका ऐसे बार बार दबाना पड़ता है, तो उसमें यार होता है भाई हाथ में दर्द, मेरे हाथ में जबकि बड़े हैं नॉर्मल से, मतलब मेरी हाइट लंबी है तो ऑब्वियसली हाथ भी बड़े ही हो गए, मेरे इतने भी बड़े नहीं है। मैं खुद ही वो हो गया परेशान। चलो एनीवे, जो मेरी बात थी मेन, आप देखो आई गेस तो मैं देख रहा हूँ, देखो हाथ मेरा कैसे पूरा लाल हो गया यार, पूरा यहाँ पे पूरा पैच पड़ गया। तो यार बाइक में ये एक इशू है, मेरा मन है कि मैं 100 लगा दूँ बाइक पर, लगाऊंगा नहीं। मैंने तुम्हें जैसे पहले वीडियो से भी बताया था कि भाई अभी का टाइम होता है अपनी बाइक से प्यार करो, तो मैं इससे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको 100 नहीं लगाऊंगा। तो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, अमरिक सुखदेव। यहाँ की एक बात है, कभी भी आ जाओ भीड़ एकदम हमेशा रहती है।
आज तो फिर भी भीड़ कम है थोड़ी, पर है तो सही। और हमेशा की तरह तुम्हारे भाई के बाल खराब, हेलमेट पहनने का डिसएडवांटेज। तो यार सुखदेव पे नहीं रुके हम, एक रीजन है बताऊंगा तुम्हें अभी क्या रीजन है। हम आ गए मन्नत हवेली, यहाँ का खाना अच्छा होता है, मैंने खाया हुआ है काफी बारी। तुम्हें रीजन बताऊंगा, तुम भी शायद कभी सुखदेव ना जाओ उसके बाद। यहाँ का देखो यार क्राउड भी सही है पहली बात तो ये, और दूसरी बात बता तो ना, तो मैं अंदर जाके बताता हूँ। रुको तो यार हम सुखदेव में पता क्यों नहीं रुके, मैं तुम्हें बताता हूँ। समझो वाली टेबल है, यहाँ पे कोई खाना खा के गया, ठीक है। अब जो इस प्लेट में प्याज बचे होते हैं ना, वो इधर एक कटोरी में भी पड़े होते हैं जो नेक्स्ट टेबल वाले को मिलते हैं। तो जो टेबल साफ कर रहा था उसने, ये जिस बंदे ने प्याज खाए हुए थे वो प्याज उठा के इस कटोरी में डाल दिया जो फ्रेश वाली होती है जो हमें मिलनी थी। अब तुम सोचो वो किसी के खाए हुए प्याज किसी और को खिला रहे हैं। तो भाई सुखदेव मत जाना भाई, मेरी मानो तो साफ सफाई नहीं है, हाइजीन लेवल डाउन हो गया सुखदेव का, बहुत भीड़ है ऑब्वियसली, तो वाली बात है। तो तुम खुद सोचो, मैंने प्याज खाया और ये मेरी गंदी प्लेट है, ये वाला प्याज जो फ्रेश कटोरी है उसमें कोई रख दो और तुम मेरा झूठा खा रहे हो, आएगा कोई? ये हुआ भाई। तो हम इधर आ गए हवेली, यहाँ पे बढ़िया सर्विस है। अब देखो तुम और अच्छे समझ आएगा, समझो ये मेरा खाया हुआ प्याज है यहाँ पे पड़ा है, और जो टेबल साफ कर रहा बंदा उसने ये प्याज वापस इसमें डाल दिया। सोचो भाई सोचो क्या खिला रहा सुखदेव। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये मैंने प्याज उठाया है ये यहाँ से कटा हुआ है, अब किसी ने अगर इसको खाया हो और इन्होंने भी इसमें से ऐसे डाल दिया हो, मैं क्या करूँ भाई, खाऊँ ना खाऊँ? कमेंट में बताओ भाई। लो भाई अपना परांठा आ गया, लस्सी आ गई है, शाही पनीर आ गया है, बढ़िया एकदम। अब मैं तुम्हें खा के बताता हूँ कैसा है, शक्ल देख लो, लग रही है ना बढ़िया। फूड ब्लॉगर भी बन जाऊँ क्या बताओ, लस्सी टेस्ट करके बता रहा हूँ। स्ट्रॉ से पीने में मज़ा नहीं आया पर लस्सी बढ़िया है। चीयर्स। मैं यार इन चीज़ों के ना बहुत अगेंस्ट हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि कोई कैमल राइड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के। तो यार आज का हमारा हो गया काफ़ी लॉन्ग डे, पहले हम गए थे अनूप जैन ग्रब फेस्ट के अंदर, और अभी हम आए थे मूर्थल हवेली में, जाना तो सुखदेव था, उधर प्याज का कांड हो गया तो हम आए मन्नत हवेली। तो यार मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखेगा सीधा मेहंदीपुर बालाजी का, क्योंकि मैंने अब घर जाते ही मेहंदीपुर बालाजी जाना है, तो कमेंट में लिख देना जय श्री राम, बाय बाय। तो यार एक बात मैं तुम्हें बतानी भूल गया था तुम लोगों को, आज जब मैं जावा चला रहा था ना तो मैंने हाफ फेस का हेलमेट डाला हुआ था, एक पत्थर आया था मैंने एकदम उसको पास से देखा है, मेरा रिफ्लेक्स तेज है तो मैंने अपना एकदम से ना मुँह ऐसे लेफ्ट की तरफ कर लिया, तो जो पत्थर लगा मेरे हेलमेट पे लगा, अगर मैं रिफ्लेक्स उसका ना मतलब तेज़ ना कर पाता तो वो सीधा मेरे मुंह पे लगता बड़ी तेज। तो यार हमेशा हेलमेट डालो, बहुत ज़रूरी है, राइड सेफ चीतो, राइड करो फुल मस्ती करो। अब चलो बाय बाय, अब ख़त्म करते हैं व्लॉग।